हेलो फ्रेंड्स, रीता यूनिक किचन एंड क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। और ये हमने चार ब्रेड लिए हैं और इनको बीच से हमें ऐसे काटना है। ये कट हो गया है और आपको कट करके दिखा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा झटपट बनके तैयार हो जाता है ब्रेड पकौड़ा। और हमारे तो ये हमने आलू बॉयल नहीं किया है, ये सब्जी हमारी बची हुई थी, आलू गोभी और बैंगन की मिक्स, उसी को हमने मिक्स करके इसमें पकौड़े में भरेंगे। ये है बेसन, इसमें स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच जीरा, और इसमें अब कुछ मसाले। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर एक एक चम्मच, और ये है अमचूर पाउडर। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने अमचूर पाउडर डाला है, इससे थोड़ा खट्टा भी हो जाता है तो और अच्छा लगता है खाने में। और इसका घोल हमें गाढ़ा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। और ये अब हम इसमें ये जो मसाला बनाए थे ये भर लेते हैं इसमें अच्छे से। खूब जितना अच्छा मसाला लगेगा उतना खाने में भी अच्छा लगेगा। देखिए ये बन गया है, बस इसको इसको कवर करने के लिए ताकि ये सब निकले ना, इसीलिए हमने घोल बनाया। घोल पतला ही अच्छा रहता है इसका। और इधर ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम सेलो ही फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत फ्राई करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं, अंदर तो मसाला पका ही है। और एक हम बिना घोल के दिखा रहे हैं, ऐसे भी बन जाता अगर अच्छे से चिपका दो, निकलता नहीं है, ऐसे भी एक बना के दिखा रहे हैं, लेकिन ये उतना टेस्टी नहीं लगेगा, बेसन वाला और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और एक और भर के आपको दिखाते हैं, इसको भी हम भर लेते हैं अच्छे से। जितना अच्छा मसाला लगा रहेगा उतने टेस्टी लगेगा। और तो वैसे तो आलू बॉयल करो, मसाला बनाओ, समय भी लगता है। अगर आपके पास बनी हुई सब्जी रखी है उसको मैश करके मसाले मिला के ऐसे बना लो तो बहुत जल्दी बन भी जाता है। और थोड़े ही हम ऑयल में बना रहे हैं, ये भी एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ पलट देते हैं। बहुत अच्छे से पक भी जाता है, दूसरा भी हमने डाल दिया, इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया है, बहुत अच्छे से पक भी जाता है। ये हमारे पास कुछ ब्रेड के टुकड़े कल हमने सर्कल शेप में जो बनाया था उसी के बचे रखे थे, इनको हमें फेंकना नहीं है। इसी घोल में ये ब्रेड पकौड़ी तैयार हो जाएगी। वो ब्रेड पकौड़ा था, ये ब्रेड पकौड़ी है। और आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, इसको बना के ऐसे बना लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, ब्रेड पकौड़े से ज़्यादा तो यही अच्छा लगता है, मेरे बच्चे तो यही ज़्यादा खा रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। और इनको फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वैसे तो ये ऐसे देखने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये छोटी छोटी ब्रेड पकौड़ी हो गई है, उतने ही ऑयल में हमारे पूरा बन गया है। ब्रेड पकौड़ा और ब्रेड पकौड़ी दो चीज़ें तैयार हो गई हैं, बहुत जल्दी पक भी जाता, बेसन तो वैसे भी जल्दी पकता है, ये भी पक गया है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इनको भी निकाल लेते हैं और इनको चाय के साथ एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।